lecture number 2, integration. Formula, first formula, power formula हम यूज करते हैं first integration के लिए. x की होल पावर n dx इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. हियर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहां इस फॉर्मूले को यूज करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट. हियर x must be a linear function, must be linear, and n is not equal to minus 1 or n belong to any real number except minus 1. Two condition, it is clear from this formula. If we put minus 1 here, then the integration approach to infinity which is not possible. Second, extended form अगर हम देखें, extended form देखें इस formula की, तो हम use करेंगे ax plus b. This is also a linear. This formula is applicable only when base must be a linear function and power be any constant except minus 1. dx equal to ax plus b whole power n plus 1 upon n plus 1. And हम जब इसका differentiation करेंगे तो वो हमें मिलेगा student linear function का differentiation a, जो कि ऊपर नहीं आएगा. differentiation में ये coefficient ऊपर आता था, but यहाँ क्योंकि reverse process है differentiation का integration, इसलिए x का जो भी coefficient है हम इस फॉर्मूले में उससे डिवाइड करेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम ले लेंगे. एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट है स्टूडेंट. तो एग्जांपल फर्स्ट, सपोज 2x प्लस 5 की होल पावर 4 का हमें इंटीग्रेशन करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, पावर में 1 इंक्रीज कर देंगे हम. पावर हमारी यहां हियर 4 यानी के 5 पावर आ जाएगी अपॉन में 5, एंड वी डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x 2. दिस इज फाइनल आंसर. सेकंड, e की पावर अगर हम log x का इंटीग्रेशन करें बेस dx पे, तो ये पॉपुलर प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, अगर log बेस e पे हो और यहां ये बेस भी सेम हो, देन और r कैंसिल एंड वी गेट ओनली x dx. तो स्टूडेंट ये टर्म्स यहां से हट जाती है, हमें मिलेगा केवल x dx. x dx का इंटीग्रेशन पावर 1 है, x square by 2 plus c. सेकंड एग्जांपल, सपोज e की पावर log बेस e root x है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ root x. root x means पावर 1/2. 1/2 पावर में 1 हम इंक्रीज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. नेक्स्ट एग्जांपल, लॉग 1 अपॉन e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन अगर हम करें dx, तो हमें मिलेगा
e की पावर x को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो e की पावर x ऊपर जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस x dx बेस e। प्रॉपर्टी से x की पावर माइनस वन, e बेस पे ये वैल्यू वन होती है, तो ये मिलेगा माइनस x dx एंड फाइनल आंसर इज माइनस x स्क्वायर बाई टू प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर log बेस e x dx। हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, यहां बेस कांस्टेंट है और पावर है वेरिएबल, पावर वेरिएबल, तो यहाँ एक पॉपुलर प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, हम वो यूज करेंगे log बेस c और b a की पावर में, a बेस है a की पावर होल पावर log c d इक्वल टू b log c a। तो ये लिख देंगे हम x की पावर, ये वैल्यू हमें मिलेगी e 2। अब दिस इज द लीनियर फंक्शन एंड दिस वन इज कॉन्स्टेंट, सो वी यूज पावर फॉर्मूला x टू द पावर log बेस e 2 प्लस 1 अपॉन log बेस e 2 प्लस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर एंड सो मोर एग्जाम्पल कैन बी टेकन। एग्जाम्पल 2 की पावर m log बेस 2 x dx। तो जैसे यहां देख रहे हो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम m को हम ले जा सकते हैं x की पावर पर, और यहाँ देखो log का बेस और पूरे फंक्शन का जो बेस है 2 वो सेम है, सो बोथ आर कैंसिल आउट है एंड वी गेट फाइनल रिजल्ट x की पावर m का इंटीग्रेशन x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं समझता हूँ इतने एग्जांपल देने में स्टूडेंट बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं इंटीग्रेशन के, सेकंड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं जिस पर पावर फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं था, हम यहाँ पर वो फंक्शन सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर सेकंड। सेकंड फॉर्मूला क्या था, x की पावर माइनस वन पर पावर फॉर्मूला इज नॉट डिफाइंड, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको सिखाया वो डिफाइन नहीं था, dx 1 अपॉन x dx। इसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट log बेस e x प्लस c, या इन शॉर्ट log को हम ln भी कहते हैं स्टूडेंट, ln mod x प्लस c। mod जनरली log डिफाइन ही mod पर होता है, तो मैं भी टेकन log और not, आप ले भी सकते, लगा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमेशा ही log फंक्शन मॉडुलस पे डिफाइन होते हैं, तो बेटर फॉर्म है mod x। बाकी यहाँ भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके अगर ऐसे करते हैं, तो log log बेस ही, यानी कि ln x ही लॉगरिथम है ऑन बेस ई, ऑन बेस ई। एंड सेकंड वन एक्सटेंड फॉर्म हम ले सकते हैं dx, कहने का मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन होना चाहिए और रेसिप्रोकल फंक्शन में डिनोमिनेटर मस्ट बी लीनियर एंड न्यूमरेटर बी एनी कांस्टेंट। तो ax plus b का स्टूडेंट इंटीग्रेशन लीनियर फंक्शन है, लीनियर डिनोमिनेटर में अगर दिखाई दे रहा तो आंसर आएगा लॉगरिथम में ax plus b, और ax plus b का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको डिवाइड करेंगे उससे इस फंक्शन को, दिस इज द फाइनल आंसर।
taking some example, dx upon 2x plus 1, यहां पर आ जाएगा लोन 2x plus 1, स्टूडेंट यहां पे देख रहे हो आप कोफिशियंट, x का कोफिशियंट है 2 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, dx upon 5 minus 3x equal to linear function है, so differentiation is in logarithm 5 minus कितना 3x coefficient of x here minus 3, so we divide minus 3 plus c। अब और कुछ special example हम ले लेते हैं, example suppose x हमारे पास है 2x plus 1, तो this is the very important trick, यहाँ पर x linear ऊपर है student, linear नीचे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ जब these algebraic function are called improper fraction, improper fraction कहे जाएंगे, यानी कि this one is called improper fraction, जब improper fraction आते हैं तो उनको proper में बदलना जरूरी है, improper कौन से, जिनमें numerator power of x, that is degree of the numerator greater या equal to हो denominator के, तो उनको कहते हैं improper function। improper fraction को proper बनाने के लिए divide करना पड़ता है, जैसे आप simple करते हैं कि x को 2x plus 1 से divide कर दो, divide करने के बाद यहाँ रख दो integration हो जाएगा, या easily 2x plus 2 से आप divide करो, 2 से multiply, ये 2x plus 1, अब plus 1 लाना है, plus 1 कर दो, minus 1 कर दो, तो देखो ये वाली, ये value upon ये करेंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और हमें net मिलेगा 1, minus 1 upon 2x plus 1, अब इसीलिए dx, 1 का integration x है, तो 1 by 2, x minus log base e, 2x plus 1 plus c, this is final answer। Thank you for watching the video with Faruk Tyagi।